प्रदेश भर में नगरीय निकायों के साथ ही ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मोहला मानपुर विधायक इंद्र सिंह मंडावी ने सरपंचों की बैठक लेकर उन्हें परिसीमन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर CEO गोपाल सिंह कंवर भी मौजूद थे। उन्होंने उपस्थित सरपंचों को परिसीमन की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही उन्होंने सरपंचों द्वारा पूछे गए सवालों और जिज्ञासाओं का भी जवाब दिया। पेश है हमारे राजनांदगांव ब्यूरो चीफ गणेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हर ग्राम पंचायतों में क्लस्टर किया जाएगा, जिसकी सूची आप सबको उपलब्ध करा दी गई है। यदि इस प्रकाशन में आप लोगों को कुछ लगता है कि हम नया पंचायत बनाएं या नया वार्ड बनाएं, तो आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का प्रस्ताव 22 तारीख तक यहां पर जमा कराना होगा, ताकि हम लोग उसका समय पर समाधान कर सके, निराकरण कर सके। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे, दिशा निर्देश देंगे और क्षेत्र में क्या कर सकते हैं इस संबंध में आपको जानकारी देंगे। माननीय विधायक महोदय, भारत माता की जय। आज पंचायत परिसीमन करना है, ये मैं आप सब पर उपस्थित हूँ और सचिव, सरपंच, जनपद सदस्य सबके बड़ा जिम्मेदारी है। हमला परिसीमन कैसे करना है, लगभग 1000 के जनसंख्या में करना है, तो आप सब जान लो जो वास्तविक जो स्थिति है कि कौन से गांव के पास में पंचायत में कौन से गांव रही। जैसे उर्वही पंचायत में बहुत सारे गांव हैं और कोरेवाला जो गांव है कुंजाम टोला में सोला उर्वही के साथ में जोड़ के बना हो, ऐसे कहीं भी मतलब पार होने हमने जाना नहीं, एक साथ रही तो हमारे पंचायत के विकास बढ़िया हो। ये सब चीज सोच रहे हैं सरपंच जी मांगी भाई बोला तो ध्यान दे देवे और कौन कौन से दूर हो जाएगा तू यहां कर देवे, है कि नहीं। और सुवरपुर एक नया पंचायत भी आप हम बना सकते हो, तो हिसाब से एक तरीका बना लो और नजदीक से नजदीक जो गांव है पारा है बोला है मंजरा है बोला एक साथ जोड़ के प्रस्ताव यहां दू और जो भी समस्या हुई तो इन अटका भर में कहला आज आपन के बीच में आया हूं। हम लोग कई बार विषम परिस्थिति में बनाए पड़ते जोड़ेगा पड़ते काम करेगा पड़ते, तो आप सब ला आगे भी चुनाव होना है तो अगर सुविधा के हिसाब से आप मतलब सब ला देखना है। अटका कह के कुरबानी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मोहला मानपुर।